हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रेडमी A2 फ़ोन में आप लोग स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक रेडमी A2 फ़ोन है, उसमें जो है आप लोगों का नेट जो है बहुत स्लो चल रहा है, यूट्यूब भी बहुत स्लो चल रहा है, या आपका जो फेसबुक है वो भी बहुत धीरे धीरे करके लोडिंग लेके चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को जो है आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आज के वीडियो में गाइस मैं यही बताने वाला हूँ आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइस सबसे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते गाइस एक ऑप्शन होगा सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क का, तो आप लोगों को जो है इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस ऊपर के साइड में सिम का, सिम वन और सिम टू देख सकते हैं आप लोग। अगर आपके फ़ोन में जो है यहाँ पर दो सिम लगे होंगे, तो यहाँ पर जिस भी सिम में जो है आप लोगों का नेट स्लो हो रहा है, इंटरनेट जो है आप लोगों का बहुत स्लो चल रहा है, तो आप लोगों को उस सिम पर क्लिक करना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है गाइस। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप लोग एक्सेस पॉइंट नेम्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस एक्सेस पॉइंट नेम्स पे जो है आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। इस एक्सेस पॉइंट नेम्स को गाइस शॉर्ट फॉर्म में APN सेटिंग भी बोलते हैं बहुत लोग, तो यहाँ पर APN सेटिंग्स पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे देख सकते गाइस एक रीसेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर रीसेट पर जो है हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा APN सेटिंग है वो रीसेट हो गया है, ठीक है गाइस। यहाँ पर APN सेटिंग रीसेट हो जाने से आप लोगों का जो नेट स्लो प्रॉब्लम है, स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं गाइस, उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक टिप्स बताऊंगा। तो यहाँ पर उसके बाद आप लोग सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस कनेक्शन एंड शेयरिंग का, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, और नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क्स एंड ब्लूटूथ, देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन, तो इस पे जो है आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं नीचे की तरफ रीसेट सेटिंग्स लिखा हुआ आ गया है, तो अगर हम रीसेट सेटिंग्स करेंगे गाइस तो यहाँ पर हमारा क्या क्या रीसेट होगा ये भी आप लोग देख लीजिए एक बार। तो ऊपर के साइड में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं हमारा जो वाईफाई है वो रीसेट हो जाएगा, हमारा जो मोबाइल डाटा है वो भी रीसेट हो जाएगा, उसके बाद ब्लूटूथ सेटिंग्स भी रीसेट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर से हम इस पर रीसेट सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से ओके पे भी क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप लोगों का जो नेटवर्क सेटिंग है वो यहाँ पर से रीसेट हो जाएगा। तो नेटवर्क सेटिंग रीसेट होने से आप लोगों का जो स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, अगर आपके फ़ोन में जो है बैकग्राउंड में एप्लीकेशन अपडेट हो रहे हैं तब भी जो है आप लोगों के फ़ोन में स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को उनको बंद करना होगा, मतलब बैकग्राउंड में अगर एप्लीकेशन अपडेट हो रहा है उनको बंद करना है। बंद करने के लिए यहाँ पर आप लोग प्ले स्टोर पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर ऊपर के साइड में एक जीमेल का प्रोफाइल होगा उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं एक सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देख सकते हैं एक नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ऑटो अपडेट एप्स, इस पर क्लिक कर दीजिए, और देख सकते हैं यहाँ पर तीन ऑप्शन है गाइस। अगर आपके फ़ोन में इन दोनों पर सेट है, जैसे कि ओवर एनी नेटवर्क्स और ओवर वाईफाई ओनली, तो क्या होगा गाइस, जब भी आप लोगों का नेट ऑन होगा आप लोगों के फ़ोन में ऑटोमेटिक अपडेट्स होते रहेगा एप्लीकेशन, ठीक है गाइस। तो भी जो है आप लोगों को स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से आप लोग इसको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पे क्लिक कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। अभी जो है आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन अपडेट नहीं होंगे गाइस, और आपका जो स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं गाइस, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाटा कार्ड का ऑप्शन होगा गाइस। अगर आपके फ़ोन में दो सिम लगे हैं और एक सिम में रिचार्ज है और एक सिम में नहीं है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर डाटा कार्ड को चेक कर लीजिए। अगर जिस सिम में रिचार्ज नहीं है वहाँ पर सेट होगा, तो आप लोगों का नेट बहुत ही स्लो चलने लग जाएगा, ठीक है गाइस, स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से उसको चेक कर लीजिए, और जिस सिम में रिचार्ज है डाटा कार्ड को भी आप लोग उसी सिम में सेट कर लीजिए।
तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रेडमी A2 फ़ोन में स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।